तो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको सिखाऊंगा आज इस तरीके का फोटो एडिटिंग, खतरनाक सी भी एडिटिंग, जो भाई अपना आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको कैसे स्मूथिंग, बैकग्राउंड कैसे एडिट करते हैं, हार्ड और ब्रश कौन से यूज करते हैं, हेयर कैसे बनाना है, कैसे सब कुछ इसमें ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ठीक है। और हम आपको चलते हैं, सिखाते हैं, और आप भी वीडियो स्किप मत करिएगा। तो हमारा ये पिक है ये वाला, तो पहले ले चलेंगे हम स्नैपशीट में। स्नैपशीट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका फेस जो है वो वाइट हो जाएगा, ठीक। वाइट करने के बाद आपको जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से आप लोग इस तरीके से आप देखा देख सकते हो, इस तरीके से करोगे तो गोरा होगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ब्लैक होगा, तो हमको ब्लैक नहीं करना है, हमको गोरा करना है। तो हम यूज करेंगे, ठीक है, हम गोरा कर लेते हैं फटाफट से। जहाँ जहाँ ब्लैक सब दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके अपना लाइट बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो फोटो में कुछ अलग सा इफेक्ट आता है, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, कुछ लोग अपने कपड़े का रंग जो चटका नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करना है आप लोगों को, इस पर जाना है, ठीक है। इस जहाँ रेड कलर दिख रहा है उसी पे रखना है, ठीक है, इस पर इस छोटा करना है, छोटा करने के बाद आपको लाइट को, जो लाइट आप बढ़ा रहे थे, ठीक है, उसी लाइट को आपको फुल्ली रखना है, ठीक है, फुल्ली रखना है। क्या करना है, फुल्ली रखना है, फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोग क्या करते हो गाइस, आपका जो जींस रहता है, ठीक है, आप ब्लैक कलर ले रहे हैं ना, तो आप उस पर रख के अपना जो ब्लैक कलर जो है आप उसे ब्लैक कर सकते हो। देखो गाइस इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ब्लैक कर सकते हैं। तो गाइस जहाँ से ब्लैक दिख रहा है हम कर लेते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ठीक है। अपना भाई, तुम्हारा भाई अब वीडियो लाता ही रहेगा, ठीक है। आप लोग सीखते रहिए, बैकग्राउंड लेते रहिए, ठीक है, और फोटो एडिटिंग करिए। भाई इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, सपोर्ट किया करो यार, ठीक। तो हमारा फोटो लाइट एडजस्ट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट चलेंगे लाइट रूम में। गैस लाइट रूम में ले जाने के बाद फटाफट से लाइट रूम खोल लेते हैं। लाइट रूम में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात आप लोग क्या करते हो, जाने के बाद अपना कुछ फेस बुरा करते हो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग को पहले लाइट एडजस्ट करना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से करोगे तो लाइट फेस ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पर हमको आपको फोटो के हिसाब से देखना पड़ता है। बस यहाँ से आप देखो, हमारा इधर ब्लैक हो रहा है, इधर वाइट हो रहा है, तो हमको वाइट रह चाहिए इधर। देखो इसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइट को इधर एडजस्ट करेंगे तो आप खुद समझ में आ जाए, ठीक है। हम यहाँ से आई इधर आ रहा है तो हम यहाँ नहीं करेंगे, हम थोड़ा इधर बढ़ा कर करेंगे, ठीक है गाइस। और इसको कम कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला बात कि भाई आप लोग फेस एकदम गोरा, जितना गोरा करना है उतना कर लीजिए, ठीक है, इतना हमको चाहिए, इतना कर लेते हैं। तो फिर इसको माइनस रखेंगे, इसको रेड को कलर को जो है वो बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा फेस स्मूथ इस तरीके से हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो गाइस, इसे शेयर कर देते हो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग को इसको बढ़ा लेना है, इसको घटा लेना है, ठीक है। इसको इसको भी थोड़ा 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 बढ़ा लीजिए अपने फ़ोटो के हिसाब से, जो अपने फ़ोटो आपका फोटो का क्वालिटी होता है उसको देख कर आप लोग बढ़ा लीजिए, तब फेस का जो है वो धब्बा धब्बा है वो हट जाएगा। तो बस आप देख सकते हो जो हमारा दिख रहा था वो सिंपल से हट चुका है, ठीक है। तो हम शेयर करेंगे स्मूथ में। तो गाइस आपको बता देते हैं हम कौन सा ब्रश यूज करते हैं, आप भी यूज करा करो। तो गाइस हम ये वाला ब्रश यूज करते हैं, ठीक है। इस पर करके आप लोग को क्या करना है, सिंपल सी अपन ब्रश को इस तरीके से चलाना है, ठीक है, धीरे धीरे आपको चलाना है। जितना अच्छे तरीके से आप फेस एडिट करोगे, स्मूथ करोगे, उस तरीके से आपका खतरनाक एडिटिंग होगा भाई। और वीडियो स्किप करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, अगला जो तवाई भी स्टेप है
आप लोग कोई पिक्सार्ट में बताना पड़ेगा अभी। तो गाइस फटाफट से कर लेते हैं स्मूथ। तो गाइस ने चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ठीक है भाई। और सपोर्ट कमेंट प्यारा सा कमेंट मार दीजिए। तो भाई फटाफट से कर लेते हैं अपना फोटो स्मूथ। भाई अभी सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भाई आप लोगों के लिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भाई इस फोटो पर टोटली पूरा वीडियो ला। तो भाई मैंने बोला कि टाइम नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है, ठीक है गाइस। तो आप लोग का सिंपली क्या करना है, इसको शेयर कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो हमारा फोटो जो है वो डाउनलोड जो हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम अपने पिक्सार्ट को क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें ब्लैक्स आता है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो क्लियर करने के बाद गाइस क्या करेंगे, हमारा जो है ये बैकग्राउंड है, ठीक। आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम, कुछ फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं बैकग्राउंड डालता रहता हूँ, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा जो है पीक जो है ये वाला स्मूथ जो किए हैं ये ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको हम लगा लेते हैं। सॉरी गाइस आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि फोटो कट कैसे करते हैं। तो आप लोगों को फोटो इसी इस एप्लीकेशन से कट करना है, ठीक है। क्या कोई भी फोटो आप डालोगे, ये वाला डाले गाइस, आप लोग ये फोटो डालोगे, कोई सा फोटो डालोगे तो अच्छा सा एडिट आपको फोटो कटिंग करके वो दे देगा, ठीक है। तुम देख सकते हो भाई, ठीक है। तो हम फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, इस यहाँ से डाउनलोड होते हैं, यहाँ से डाउनलोड होता है, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस हम नेट ऑन कर दिए हैं, गलती हो गया है। तो इसको ऐड कर लेना है पिक्सार्ट में, ठीक है गाइस। पिक्सार्ट में ऐड करने के बाद अब सिंपली से क्या करना है, जो अपना फेड कट फेस स्मूथ किए थे उसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है गाइस। और जो बैकग्राउंड कट किए हैं उसको ले लेना है, ठीक है गाइस। हमारा एक पिक है वो ले लेना है। लेने के गाइस क्या करना है, आप जो फोटो कटिंग करते वाला लोगो आ जाता है जिसको मिटा लेना है इस तरीके से। मिटाने के बाद आप लोगों को क्या करना, सिंपल सी बात है गाइस, हमारा एक पीएनजी आप और देंगे, हमारे इंस्टाग्राम में मिल जाएगा आप लोगों को, इसको यहाँ से अंदर कर लेना है गाइस। इसके बाद इसको बढ़ा लेना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद एक पीएनजी और यूज करेंगे, हमारे पीएनजी और यूज होगा इस तरीके से। आप लोगों को हम देख सकते हो गाइस, हम फोटो एडिट कर चुके हैं और यहाँ पिक्सार्ट का काम हो चुका है। आपको सिखाएंगे कैसे हेयर खतरनाक एडिट होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये हम ले चलेंगे ऑटोडेस्क में, ऑटोडेस्क में नहीं स्मूथ वाले ले चलेंगे गाइस। पहली बात बता देता हूँ गाइस, जो लोग सेटिंग का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा जो हेयर है हम खतरनाक आपको बना कर दिखा रहे हैं, ठीक है गाइस। बहुत लोग क्या करते हैं गाइस, अपना हेयर जो है वो बना नहीं पाते, ठीक है गाइस। तो हमारे वीडियो पे आओगे तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको हेयर पे चलाना है, ठीक है गाइस। किस तरीके से चलाना है ये बताता हूँ, इस तरीके से चलाना है, ठीक है गाइस। जितना अच्छा आप लोग भाई टाइम देकर फोटो एडिटिंग करोगे उतना ही अच्छा आपका फोटो एडिट लगेगा, ठीक है।
अब लबर सबर करोगे भाई तो अच्छा ही बेकार ही दिखेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो फुल देख लो, उसके बाद जाकर एडिटिंग करो। कुछ भी गड़बड़ी आती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है गाइस? अरे 100% गड़बड़ी कुछ नहीं आएगा, ठीक है गाइस? इसलिए हम फोटो एडिट पहले कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है गाइस? तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, ठीक है गाइस? इस तरीके से फोटो स्मूथ करेंगे तो अच्छा लगेगा। और ऑटोडेस्क में जो मैं आपका हेयर बना रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारा यहाँ काम हो चुका है, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।